करनाल के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 की भूतपूर्व छात्रा ने इतिहास रच दिया है। विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा प्रिया गुप्ता ने हरियाणा न्यायिक सेवा की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और यह स्थान प्राप्त करते ही वह न्याय की कुर्सी पर आसीन होकर एक मिसाल बनकर करनाल की लड़कियों के बीच उभरी है। न्यायिक सेवा की परीक्षा टॉप करने वाली प्रिया गुप्ता आज दयाल सिंह सेक्टर 7 विद्यालय पहुंची, जिनका विद्यालय ने जोरदार स्वागत किया। दयाल सिंह ट्रस्ट सोसाइटी के जनरल मैनेजर रिटायर्ड प्रोफेसर बीआर गुलाटी ने विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के बीच उन्हें पाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रिया गुप्ता की तरह अन्य विद्यार्थियों को भी कर्मठ बनने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रिया गुप्ता ने विद्यार्थियों के प्रांगण में सभी विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार 2013 में 12वीं कक्षा पास होने के बाद कड़ी मेहनत की और उपलब्धियां अर्जित की। प्रिया गुप्ता ने बताया कि अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के ऊपर भरोसा करने वाले छात्र जीवन में कभी निराश नहीं पाते हैं। वे जीवन में सफलताओं के चरम शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। आज उन्हें जीवन में मिली उपलब्धियां इन्हीं अध्यापक अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन पर चलने के कारण ही मिल पाई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। And I would like to thank my school because the teachers, my teachers, principal, Ms. Neena Rai ma'am and sir, that they have given so much love to me when I was in my school, and they have always guided us to become a better person in life. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And for giving me this honor that I am here, able to speak few words in front of you all. So talking about my journey, I have cleared Haryana Judicial Services with 3rd rank, and also have cleared Rajasthan with the 6th rank. And I would say that from very schooling that I had this dream in my very heart from since I was in school, and I pursued my subjects in that way ki jaise maine uske baad 5-year LLB kiya. उसके बाद विदिन दिस माय लॉ टाइम आई डिड कोचिंग, अपनी जो भी जुडिशरी की कोचिंग लेनी थी, एंड देन डिड LLM, एंड देन आई डिड सेल्फ स्टडी, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकती हूँ, जो मेरे को मेरी सक्सेस में बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन इज दैट हैविंग अ ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट आई हैड दिस ड्रीम इन माय हार्ट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर बिकॉज मेरे फादर एडवोकेट हैं, तो मैंने हमेशा से उन्हें लीगल फील्ड में काम करते हुए देखा। सो आई हैड दिस कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। इवन माई टीचर्स न्यू कि मेरा ये ड्रीम है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपका वो ड्रीम पहले से ही डिटरमाइंड है तो यू बिकम मोर डेडिकेटेड एंड डिटरमिंड टुवर्ड दिस, एंड उसी तरह से फिर आप उसी डायरेक्शन में जाते हो, और उतना ही आपको फिर गाइडेंस जो आसपास से मिलता है, और जो फिर जैसे मैंने 5-year लॉ किया और उसके बाद अपनी कोचिंग को अपने LLB के टाइम पे ही कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है हैविंग दैट इन योर हार्ट कि हमें ये बनना है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS ऑफिसर हो या जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर वो आप अभी से सोच सकते हैं उस बारे में दैट वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years, वो आप अभी से सोच सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा एक आपको मोटिवेशन देता है हमेशा से आपके हार्ट में। सेकेंडली आई वुड से कि पढ़ना कैसे है, हम जब भी पढ़ते हैं तो वी शुड ऑलवेज सी दैट वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स आवर स्टडीज़। तो जैसे मैं ये बोलूँगी सारे बच्चों के लिए कि हम सोचते हैं कि हम साथ में फ़ोन चला रहे हैं और फिर हम पढ़ भी रहे हैं, फिर हम बोलते हैं अरे हमने तो 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली, तो बट हमें ये नहीं पता होता कि उसमें हमने कितने घंटे फ़ोन चलाया, कितने घंटे दोस्त से बात करी है, और कितनी बार बीच में खाना खाया, कितनी बार बीच में उठे हैं। तो मेरा जुडिशरी की प्रेपरेशन के टाइम पे हमेशा से यही रहता था कि आई यूज़ टू कैलकुलेट माय इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी, कि कितना टाइम मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही दिया है, सब फ़ोन एंड एवरीथिंग एक्सक्लूड करके जो मेरे इफेक्टिव आवर्स हैं वो मैं अपने पूरे दिन के कैलकुलेट करती थी आफ्टर द डे एंड्स। तो वो एक फोकस स्टडी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डिस्ट्रैक्टेड होके ना पढ़ें।
और डेफिनेटली आई वुड अपील टू दी यंगस्टर्स कि प्लीज़ सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, बिकॉज हमें सोशल मीडिया पे रेलिवेंट इररेलीवेंट सारी ही चीज़ें हमें दिखती हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी होती हैं बट अनइम्पॉर्टेंट भी बहुत होता है, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अपना सोशल मीडिया का जो आप टाइम है आप देखिए, वो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को खेलने में दे सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया बिल्कुल भी बहुत ही लिमिटेड रखें, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया वेरी मच, आई वॉज ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप पे आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं, बट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आई वुड, मेरे को एक जस्टिस थे, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में ये बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करो बस ये फेसबुक इंस्टा मत चलाओ, बिकॉज दैट इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव और वो बहुत तरीके से आपको इफेक्ट करता है। आपकी जो बेस्ट एनर्जी होती है वो उसमें कंज्यूम हो जाती है, तो आप अपनी एनर्जी बाकी जगह पे नहीं लगा पाते। फिर आई वुड से फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस कि अपने आप को कभी भी किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें, यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। मेरे साथ ये हुआ जब मेरा दिल्ली जुडिशियल सर्विस फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, माई क्लासमेट्स एंड माई बैचमेट्स गॉट सिलेक्टेड, बट आफ्टर दैट वो जैसे हम चार पांच बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे उन सभी का हो गया था, मेरा रह गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, बट मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करा, बिकॉज यू ऑलवेज ट्रैवल इन योर ओन टाइम लाइन, यू हैव वन योर ओन टाइम जोन कि आपका टाइम कब आएगा, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फॉर दैट मैटर। एंड और कभी, और मैंने सोचा था कि हाँ मेरे को जुडिशियल ऑफिसर बनना है, और बल्कि आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि 2012 में मिस ईशा आए थे, वो भी उस टाइम पे जुडिशियल ऑफिसर बने थे, और मैं ऐसे ही असेंबली में बैठ के उनका लेक्चर सुन रही थी, एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, एंड दैट टाइम आई हैड दिस। सो आई वुड गिव यू ऑल लव एंड विशेस फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, एंड टू मी दिस जर्नी हैज़ बीन अबाउट हार्डवर्क, इट हैज़ बीन अबाउट परसिवरेंस एंड पेशेंस। तो आप अपने आप पर बिलीव रखिए, मोटिवेट करिए खुद को, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और यू विल ऑलवेज अचीव योर ड्रीम विच एवर इज़ देयर इन योर हार्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू द यंगस्टर्स, एंड जुडिशियल ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए, बिकॉज हमें अच्छे और ऑनेस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है, और कोई भी अगर कोई भी तरह की गाइडेंस चाहता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो प्लीज़ अपना एक वो मन में लेके चलिए कि आपको वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, दैट विल हेल्प यू डू योर वर्क्स बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।